सभी विकसित देशों की तरह भारत में भी म्यूचुअल फंड तेजी से बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने का एक आसान सा रास्ता प्रदान करता है। आम लोगों के बीच धीरे धीरे फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से लोगों को डाइवर्सिफिकेशन और मनी मैनेजमेंट का फायदा मिल जाता है। पहले सिर्फ बड़े और रिच लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जब से म्यूचुअल फंड आया है लोगों को अवेयरनेस बढ़ा है। लोग 100 रुपए और 500 रुपए से भी देके अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी कौन कौन सी है, कितना पैसा वो निवेशकों का स्टॉक मार्केट में करेंटली लगा रही है और भी बहुत कुछ। साथ में संक्षेप में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री क्या रही है, कब से स्टार्ट हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1964 में भारत सरकार के द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना से हुई। इसका कंट्रोल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा होता था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का जो कंट्रोल है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा यानी सेबी के द्वारा होता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई और सेबी के बीच पुल का काम करती है। तो अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1987 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया, गवर्नमेंट जो अदर गवर्नमेंट बैंक्स थे उनको भी म्यूचुअल फंड स्कीम चलाने के लिए परमिशन दिया और इंश्योरेंस कंपनी LIC को भी दिया। 1964 में स्टार्ट हुआ, फिर 1987 में सरकारी बैंकों ने भी इसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। अगर करेंटली इंडस्ट्री का देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट 10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ मई 2000 में क्रॉस किया था एंड आफ्टर 3 ईयर्स आप 20 ट्रिलियन यानी 20 लाख करोड़ अगस्त 2017 में क्रॉस किया। एज ऑफ नाउ 24 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों का पैसा जमा है। अगर इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करें तो सबसे पहला अगर आता है SBI म्यूचुअल फंड। इसके अंदर निवेशकों का 3,73,968 करोड़ रुपए है। अगर आप देखें तो SBI म्यूचुअल फंड कंपनी 142 स्कीम्स चलाती हैं। आपको पता होगा जैसे म्यूचुअल फंड में कई सारे स्कीम्स होती हैं, लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मीडियम कैप फंड, मल्टी कैप फंड, लिक्विड फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड। सो डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिस्क एपिटाइट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टर पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता है। तो SBI म्यूचुअल फंड में टोटल 142 स्कीम्स हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड है वो HDFC म्यूचुअल फंड। इनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, क्योंकि ये लोगों का पैसा एसेट को मैनेज करती हैं। सो दूसरा जो म्यूचुअल फंड है HDFC म्यूचुअल फंड, 3,70,113 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स जो वो चला रही है 111 है। तीसरा है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, 3,57,518 करोड़ का और 219 स्कीम्स ये टोटल चला रही। करेंटली आप देखें लास्ट 1 वीक में नंबर ऑफ स्कीम्स बीटिंग द बेंचमार्क 75 out of 142। SBI में आप देखेंगे तो 75 स्कीम ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। HDFC म्यूचुअल फंड के 111 में से 91 ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के 219 में से 157 म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और ये जो डेटा है वो 31 मार्च 2020 का है, मतलब बहुत ही लेटेस्ट डेटा है। जो लास्ट क्वार्टर में डेटा कंपनी ने दिया है स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को, वही डेटा है। सो इन ढेर सारी स्कीमों में से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। इस वीडियो में बताने का यही मकसद था कि आप जो टॉप म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनको देख लें, उनके जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं उसको भी आप सर्च कर लें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।